बो आजीर गप आरंभ हौ आजीर गप शुण गोटे केउट तार स्त्री सहित गाँव रहुथिला सेमाने भारी गरीब थिले केउटटी पोखरी रु बेसी माछ धरी पारु नथिला तेणु से बेसी पैसा मध्य रोजगार करी पारु नथिला दिने तार स्त्री रागी जाए ताकु घर बाहर करी दिला ओ कहिला आज जेमिति हेले पैसा रोजगार करी आणो न हेले आमे भोक उपास रे सोइबा केउट माछ धरिबा को गला पुणी तार जाल रे किछि माछ आसिला नाही से निराश होई घर को फेरिला तार स्त्री ता उपरे बहुत रागिला कहिला जाओ से जंगल भीतर जो पोखरी अछि सेठारु माछ आण केउट कहिला से पोखरी तो अशुभ सेथि पई केही सेठा को जानती नाही सेठारु माछ आणिले मो माछ केही किणिबेनी केउटर स्त्री कहिला अरे मूर्ख सेठा को लुचि के जिबु जेमिति तते केही देखिबे नाही केउट स्त्री कथा मानी लुचि लुचि जंगल भीतर को गला तथापि गाँ लोक ताको देखिदेले ता पछे पछे जाई देखंती तो केउटटे सेही अशुभ पोखरी रु माछ धरुथिला सेही गाँ लोक जाई हाटरे कहिदेले जे केउट अशुभ पोखरी रु माछ धरुची एपटे केउटर जाल रे गोटिए मात्र माछ आसिला से बारंबार जाल पकोउथाए किंतु सेही गोटिए मात्र माछ हे जाल रे आसुथाए केउट सेही गोटिए माछ धरी हाट को गला हाट रे समस्ते कुहा कुही हेउथिले जे केउट आजि अशुभ पोखरी रो माछ धरिची ताको केही मध्य हाट रे पसेई देले नाही केउट कान मुंड आउसी सेही माछ धरी घर को गला तार स्त्री कहिला ए गोटिए माछ धरिचु से भी बिक्री करी परिला नाही घरे खाइबा को किछि नाही आजि एही माछ को ही खाइबो केउट स्त्री माछ को काटिला बेळ को माछ पेट भीतर सुना अंडा बाहरिला सुना अंडा को देखि दुई जण जक आश्चर्य होइ गले ओ खुशी मध्य हेले से माने एही सुन्ना अंडा को बिके निजर गुजुरण मेंटाइले ता पर दिन केउटर स्त्री केउट को पूणी सेही अशुभ पोखरी रु माछ धरिबा पई पठाइला केउट पूणी सेही अशुभ पोखरी को गला एथर मध्य जाल रे गोटिए माछ आसिला केउट एही गोटिए माछ को नै घर को आसिला केउटर स्त्री सेही माछ को काटिबारु सेथिरु मध्य गोटिए सुना अंडा बाहरिला पूर्ण सेही सुना अंडा को बिके से माने बहुत पैसा पाइले एमिते सब दिन चलिला सेमानंक पाखरे वर्तमान बड़ घर गाड़ी पलंग सोफा सब थिला सेमाने धनी होई जाई थिले दिने केउट स्त्री भाबिला सब दिन गोटिए गोटिए सुना अंडा काही के जे एका थर के सब सुना नै आसिले भलो हुअंता से केउट को कहिला जा पोखरी रु सब पानी बाहर करी देबु केउट कहिला काही के केउटर स्त्री कहिला आमे सब माछ एका बेले नै आसीबा ताहेले आमे सब सुना एका बेले पाई जिबा केउट कहिला ना ना एमिति त सब ठीक चली छी ताहेले पुणे काही के बेकार रे पोखरी सुखाइबा जे केउटर स्त्री कहिला तू जदी न करिबु मु करिबी चल से पोखरी पाख को जीबा केउट ओ तार स्त्री पोखरी पाख को चलिले केउट ओ तार स्त्री
ପୋଖରୀରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାଛ ପାଉନଥିଲେ। ଦିନରୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ପୋଖରୀରୁ ସବୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେଉଟ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ପୋଖରୀରେ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀର ପଙ୍କରେ ପଶିସାରିଥିଲେ, ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଅତିରୁ ଇତି ହେଲା ଆଉ, ଲୋଭ କଲେ ଏମିତି ହିଁ ହଇରାଣ ହେବ। ହଁ ଠିକ କଥା, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଲୋଭ କରି ପଙ୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଆମ ବୋର ଗପ ପେଢି ଠାରୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଲିଙ୍କଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଥିବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ବୋର ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟାର କର। ଏକୁଟିଆ ଖାଲି ଦେଖିଦବ କି? ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସବୁ ରବିବାର ସକାଳ 10:00 ବେଳେ ମୋ ବୋର ଗପ ପେଢି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ବୋର ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ।